नवरात्र का आज का पहला दिन है, माई का श्रृंगार हुआ है और काफ़ी यात्री आ रहे हैं माई के दर्शन के लिए और अच्छे दर्शन हो रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माई के बहुत अच्छे दर्शन हुए, माता के खुले दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कालका माता मंदिर में इस तरीके क्या माहौल है, लाखों में जो श्रद्धालु है वो आते हैं। आप इस साइड नजरें घुमाइएगा तो आप देखिए कि जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से माता का दर्शन करके बाहर आ रहे हैं और अपनी मनोकामना को लेकर माता के पास गए हैं। इसी बीच मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नवरात्रि का पहला दिन है पंडित जी वो कितना महत्वपूर्ण। पहला दिन है नवरात्र का, आज का पहला दिन है, माई का श्रृंगार हुआ है और काफी यात्री आ रहे हैं माई के दर्शन के लिए और अच्छे दर्शन हो रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, है कि नहीं, हमारी यही दुआ है। और व्यवस्था अच्छी बनी हुई है मंदिर पर और बाकी सब ठीक चल ही रहा है। पंडित जी कितने दिनों से तैयारियां चलती हैं? जी एक हफ्ते पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। 3 महीने से? एक हफ्ते से तैयारी शुरू हो गई है, जो रास्ते वगैरह हैं बैरिकेटर वगैरह हैं वो लगाए जाते हैं, दिल्ली पुलिस और कालका जी मंदिर की जो कमेटी है वो मिलकर काम करती है, वॉलंटियर है। पंडित जी श्रद्धालुओं की तो एक दिन में कितने श्रद्धालु आते होंगे? यहाँ तो जी हजारों के करीब आते हैं, जैसे सप्तमी अष्टमी को ज़्यादा आते हैं, जिस दिन माई का सप्तमी और अष्टमी को लाखों के हिसाब से हजारों लाखों के हिसाब से श्रद्धालु आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो श्रद्धालु वो लगातार माता जी के दर्शन करके निकल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माई के बहुत अच्छे दर्शन हुए, माता के खुले दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, दर्शन अच्छा, बहुत बढ़िया दर्शन। क्या बोला आप लोगों ने माता जी से? जय माई की, चलते जाइए, जय माता की, जय माता, बोले माता माँ से क्या? जय माई की, जय माई, माता यहाँ पे जो लोग हैं पूरी करे, माता सबकी मनोकामना पूरी करे। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो जो है कि नारेबाजी कह सकते हैं एक तरीके से, जय माता दी, जय माता दी, और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो लगातार दर्शन करके निकल रहे हैं और हमारा भी निकल पाना मुश्किल हो रहा है, इतनी भीड़ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे माँ के दरबार में हम आ गए और यहाँ पे साफ तौर पर जो है कि मंदिर के अंदर का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कालका जी मंदिर के अंदर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से माता का दर्शन कर रहे हैं और जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक मंदिर है, किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालु माता का एक झलक पाने के लिए देखिए परेशान है। तो आप देख सकते हैं कालका माता मंदिर में इस तरीके क्या माहौल है, लाखों में जो श्रद्धालु है वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं नवरात्रि का जो 9 दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है और 9 दिन माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो आप साफ तौर पे ये देख सकते हैं कालका जी मंदिर का नज़ारा है किस तरीके से।